सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर एवन टीवी प्रमुखता से दिखा रहा है। कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने भी वायरस से लड़ने के लिए राहत कोष में दान देने की अपील की थी, जिसका असर बाड़मेर के समदड़ी कस्बे में देखा जा रहा है, जहां पिपाजी महाराज की 697वीं जयंती के उपलक्ष्य में मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बंसीलाल दया और ट्रस्ट के पदाधिकारियों के निर्देश पर व्यवस्थापक रणछोड़ राम और मंदिर परिवार सदस्यों की मौजूदगी में तहसीलदार को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में 1,11,000 रुपए का चेक दिया गया। वहीं कस्बे में असहाय और गरीब लोगों को खाद्य सामग्री भी वितरित की जा रही है। एवन टीवी भी भामाशाहों से अपील करता है कि इस कोरोना महामारी और लॉकडाउन में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में अपनी इच्छा अनुसार राशि प्रदान कर पूर्ण भागीदारी निभाए। आज पिपाजी मंदिर ट्रस्ट समदड़ी की तरफ से अध्यक्ष और ट्रस्टी महोदय ने मिलकर प्रधानमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष के अंदर अलग अलग 1,11,000 का सहयोग किया है। और हम लोग जो संघ के कार्यकर्ता हैं, पिछले 12 दिनों से जब से लॉकडाउन हुआ है, समदड़ी गांव के अंदर जो निराश्रित लोग हैं, जिनको राशन की भी आवश्यकता है और भोजन की भी आवश्यकता है, उनको पिपाजी मंदिर ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क भोजन बना के सुबह और शाम का जो दिया जा रहा है, उसके लिए मैं इस पिपाजी मंदिर ट्रस्ट का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। समदड़ी पिपाजी मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस महामारी कोरोना जैसी बीमारी भारत में, और आपने भारत के प्रधानमंत्री सहायता कोष में 1,11,000 रुपये और राजस्थान मुख्यमंत्री के कोष में इस महामारी को निपटने के लिए 1,11,000 रुपये दिए, और इसके अलावा आपने अन्नकूट मतलब एक अनवरत जो भोजनशाला के रूप में कई दिनों से समदड़ी के अंदर यहाँ स्टेशन में और भोजन सुबह और शाम आपने लंगर लगाकर जो आपने व्यवस्था की है, इसके लिए